सूजी से हम बनाएंगे एक चटपटा सा प्यारा नाश्ता जिसके लिए हमें चाहिए एक पैन पैन को हाई फ्लेम पर रख देंगे गर्म होने के लिए जिसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक और दो चम्मच तेल और इसे आने तक छोड़ देते हैं जितना हम सूजी लेंगे उसी के अनुसार हम उसमें नमक डालेंगे यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी लिया है और इसे हम पानी उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसे हलवा की तरह तैयार करेंगे हम फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह पका लेंगे ताकि पानी सूजी अच्छी तरह से सोख ले पानी को इसे हम मिक्स करते जाएंगे और स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे दो से तीन मिनट तक जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब ऐसे भी मिक्स कर लेते हैं यहाँ फ्लेम बंद करेंगे हम और इसे हम एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं एक से दो मिनट के लिए अब ये बहुत गर्म है देखिए ठंडा हो चुका है अब इसे हथेलियों की सहायता से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तीन चार मिनट तक इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए देखिए इस तरह से इसका लोई तैयार हो तब तक मिक्स कर लीजिए अब इस पर हम डालेंगे दो उबले हुए आलू को कद्दूकस करके डालेंगे एक आलू डाल दिया अब ये मैं दूसरा आलू कद्दूकस करके डाल रही हूँ एक कटोरी सूजी में यानी कि एक कप बड़े कॉफ़ी कप वाले सूजी में हम डालेंगे दो आलू को और इस आलू को भी इस मिश्रण में हम मिक्स कर लेंगे सूजी वाले और इसे जिस तरह से हम आटा गुथते हैं उस तरह से गूंथ लेंगे अच्छी तरह से अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच चिली फ्लेक्स आधा चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर और यहाँ कसूरी मेथी डालेंगे हम आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा और इन सबको अच्छी तरह से इन सब मसालों को इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्ती इनको भी हम इसमें हम मिला लेते हैं अच्छी तरह सारे मसाले हमारे सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं अब अब इसको अच्छी तरह से हम गूथ लेंगे हमारा आटा कर तैयार हो चुका है सूजी गाला अब इसकी हम एक लेंगे बड़ी सी लोई लोई को उंगुल हाथों पर इस तरह से सेट करेंगे हम गोला बना देंगे लोई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है अब लेंगे हम एक चकला और बेलन इस पे हम इसको हम बेलेंगे और एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे ये रोटी हमारी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी इस तरह से अगर आपको बेलने में परेशानी हो रही है तो आप इसमें चावल का ना आटा लगा कर बेल सकती हैं अब इसे किनारे भागों को हम इस तरह से कट कर लेंगे चारों के किनारे भागों को मैंने कट कर दिया ये चार को उनका पराठा तैयार हो चुका है अब इस पराठे को भी बीच में से कट करते हैं इधर से भी और इस तरह से इस तरह से बनकर देखिए एंगल के आकार का तैयार हो चुका है हमारा त्रिभुज अब तेल में इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर मैंने यहाँ चार पांच सूजी के स्नैक्स को डाल दिया है और इसे हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे इसे उलटते पुलटते जाएंगे देखिए जब यह गो गोल्डन कलर का हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह हम सारे सूजी के स्नैक्स को तल लेंगे सूजी का बनकर नाश्ता तैयार हो चुका है देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना खाने में सोचो कितना मजेदार होगा इसे मैं आप तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखिए ये है हमारे अंदर से पूरे खाली खाली और बाहर से भरे भरे चाय के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को बहुत मन भाता है सूजी का प्यारा सा नाश्ता चाय के साथ बनाएं और मज़े से खाएं